और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पा हाथ, मेरा नाम अल्पा शाह है। क्रिसमस के लिए मैं बहुत ही एक आसान सी ब्राउनी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से सारे लोग बना सकते हैं। उसमें हम क्रीम, बटर, दही, दूध या कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए बिना भी हम घर पे आसानी से बना सकते हैं और क्रिसमस में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोवेव में हम लोग बनाने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। उसके लिए मैंने ये माइक्रोवेव सिर्फ बोल ले लिया है, इस तरह से मेरे पास स्क्वायर वाला है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये 8 इंच का है, 8x8 का, जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर चारों तरफ लगा के भी ऑयल से ग्रीस करके रेडी कर लिया है। आज हम बनाने वाले हैं वॉलनट चॉकलेट कॉफी ब्राउनी। बहुत ही फेमस और टेस्टी लगती है, कॉफी का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये वॉलनट्स ली हैं, 1/4 कप है, 1/4 कप, जिसे थोड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। उसमें मैं 1 टीस्पून जितना मैदा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। वॉलनट्स को हमें बेसिकली कोट कर लेना है ताकि जब हम केक में डालें, ब्राउनी में डालें, तो ये नीचे बैठ ना जाए। इस तरह से कोट करने करके डालने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। मैंने केक के बैटर के लिए एक बोल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें फ्रिज का ठंडा पानी है 1 कप, आप कोई भी कटोरी घर की सेट कर लीजिए, उसी के अनुसार माप लेते जाइए, हमारी ब्राउनी परफेक्ट बनेगी। 1/2 कप तेल है, घर का नॉर्मल तेल है, आपको मूंगफली वाला तेल या कोई भी फ्लेवर वाला तेल यूज नहीं करना है। मेजरमेंट अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे हल्का सा। हमें कोई बीट नहीं करना है, ना ही हमें इसमें कोई मशीन की जरूरत है, ना ही मिक्सर की। एकदम आसानी से बस मिक्स किया और 5 मिनट में माइक्रोवेव में हमारा ब्राउनी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम एक छन्नी ले लेंगे। सबसे पहले इसमें 1.5 कटोरी मैंने ये मैदा ले लिया है। एक चौथाई कप कोको पाउडर, 1 कप चीनी, 1 टीस्पून कॉफी पाउडर है, 2 चुटकी नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारी चीजों को छान लेंगे। छानना जरूरी है, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छान के ही लेना है। अब हमें इसे हल्के हाथों से इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कोई भी लम्स ना रहे। इस तरह से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और कंसिस्टेंसी भी इसकी परफेक्ट ही बनती है। अगर आपने मेजरमेंट परफेक्ट लिया तो हमें कोई भी चीज वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में 1 टेबलस्पून जितना विनेगर ऐड करेंगे। मिला लेंगे और वॉलनट्स। देखिए ब्राउनी का बैटर बनके तैयार है, हमारे मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे।
देखिए ट्रांसफर करने के बाद हम एक से दो बार टैप कर लेंगे। अब हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है हाई हीट पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो जाने के बाद 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम यानी कि ओवन बंद माइक्रोवेव बंद करके ही ऐसे ही छोड़ देना है। तुरंत हमें ब्राउनी को बाहर नहीं निकालना है, 10 मिनट का रेस्ट टाइम देंगे। 5 मिनट माइक्रोवेव में बेक करने के बाद 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम देके मैंने ब्राउनी को बाहर निकाल लिया है। चेक कर लेंगे हम लोग, ये देखिए अच्छे से कुक हो गई है। अब हमें एक गीले कपड़े से इसे ढक कर करीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। ढक कर रखने से हमारी ब्राउनी है वो मॉइस्ट रहेगी यानी वो बहुत ड्राई नहीं हो जाएगी, और हमें इसे कंप्लीट ठंडा कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कुकर में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर या कढ़ाई को प्रीहीट करके आप कोई भी टिन में डाल के, मैटर को टिन में डाल के करीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं लो टू मीडियम की हीट पे। कॉफी वन चॉकलेट ब्राउनी ठंडी हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हमें इसे डीमोल्ड करना है। ये देखिए बटर पेपर लगाया है इसके लिए आसानी से ब्राउनी हमारी डीमोल्ड हो जाएगी, निकल आती है बाहर। ये देखिए बटर पेपर को साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी जालीदार ब्राउनी बनी है, ऊपर से भी आप देख पा रहे होंगे। वीगन ब्राउनी हमने बनाई है। ये देखिए ब्राउनी को मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। ये देखिए इसके नजदीक से मैं दिखा रही हूँ इसकी जाली। अब इसे थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने ये डार्क चॉकलेट ली है, करीबन 100 ग्राम है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसे 30 सेकेंड्स के लिए मैं माइक्रोवेव कर लूंगी। ये हमें रूम टेम्परेचर पर लेनी है चॉकलेट को। 30 सेकेंड्स के लिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं मेल्ट हुई है तो आप फिर से 10 सेकेंड के लिए इसे रख सकते हैं माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए। आप चाहे तो इसमें मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, घर में मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स, सिंपल से छोटे बच्चे भी इसे बना सके वैसी रेसिपी। आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। 30 सेकेंड में ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब ये मेल्टेड चॉकलेट को हम ब्राउनी के ऊपर डाल देंगे। हमें एक पतला लेयर इसका ऊपर कर लेना है। ऊपर के सरफेस पे हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। देखिए इस तरह से हमें लेयर कर लेना है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। चॉकलेट का लेयर अच्छे से सेट हो चुका है, हम कट कर लेंगे। मैं 4 पीसेस में ही कट करूंगी। देखिए एक पीस मैं निकाल के बताती हूँ आपको। ये देखिए ब्राउनी को थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाने के लिए मेरे पास ये व्हाइट कॉर्न चॉकलेट है, मैं इसे थोड़ा सा ग्रेट करके डालूंगी। स्नो जैसा इफेक्ट आता है इससे और बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे वैसे डेकोरेट कर सकती हैं, आइसक्रीम के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे, जैसे पसंद हो वैसे। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप एक पीस भी हमें आपको निकाल के बताती हूँ।
देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसी कॉफी वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी बनके तैयार है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। आप भी ये रेसिपी इस क्रिसमस पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम दाम में बन जाती है। त्योहारों में इस तरह से बना के एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।